वे भी मोदी 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 मोदी, जिन्होंने कांग्रेस के राज में, जिस कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस सरकार ने नौकरी दी, जिस कांग्रेस सरकार ने उसको नौकरी दी, उसके बच्चों को नौकरी दी, कांग्रेस की सरकार में कोई इतना भूखा नंगा ऐसे नहीं घूम रहा कि दो तिहाई बहुमत 300-350 के ऊपर निकल जाएंगे तो संविधान आसानी से बदल देंगे। तो इनका पूरा प्लान ये है, ये संविधान को बदल करके और मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहते हैं, पाखंड को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। टीवी किसके हैं जरा आप मुझे बताओ, टीवी है किसके? सारे तो इनके 95% टीवी चैनल्स तो इनके हैं, 95% टीवी, अडानी अंबानी दूसरे पे, और क्या नाम है, क्या नाम, जी न्यूज, जी न्यूज का, जी न्यूज का मालिक कौन था? सुभाष चंद्रा, अभी भी सुभाष चंद्रा है, अगले को राज्यसभा से मेंबर बना के भेज दिया गया था। हैं तो ये तो इनकी दलाली करें, गोदी मीडिया ऐसे नाम नहीं रखा है, गोदी मीडिया, ये तो इनकी दलाली कर रहे हैं। लेकिन मेरे को अभी भी मेरे को दिखाई, मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है आने वाली युवा पीढ़ी का। और मैं तो उन जागरूक भाइयों से कहना चाहता हूँ जो अपना जमीन जिन्होंने बेच दिया है, जो कांग्रेस के राज में क्या नाम है, जिन्होंने नौकरी पाई, जिनके बच्चों ने नौकरी पाई, जगह झंडा उठा रहे हैं आज मोदी जगह, वे एहसान फरामोश नहीं है, है? वे भी मोदी 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 मोदी, जिन्होंने कांग्रेस के राज में, जिस कांग्रेस सरकार ने उसको नौकरी दी, उसके बच्चों को नौकरी दी, कांग्रेस की सरकार में कोई इतना भूखा नंगा ऐसे नहीं घूम रहा था। है ये बोलता है क्या नाम है देश सुरक्षित हाथों में, देश तरक्की कर रहा है। अरे 36 करोड़ पहले कांग्रेस के राज में 30 से 35 करोड़ के गरीबी रेखा से नीचे थे, आज तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में लिया है। किस चीज़ की महिला, अभी दिखाऊँ लेटेस्ट की वीडियो, दिखाऊँ लेटेस्ट, एक नहीं दिखाऊंगा, 50। अरे झुटला रहा है वो, तो झुटला रहा है वो, उसकी बात पे कैसे भरोसा कर लेंगे? हमें क्या पता था कि जर्मन का जो वो हिटलर था ना, वो अभी तक झुटलर हिंदुस्तान में छोड़ के चला गया था, हमें थोड़ी ना पता है। झूठा है झूठा, उसने वादे पत्नी क्या क्या करे थे, 2 करोड़ रोजगार जरा दिखाना मेरे को, 15 लाख दिखाना मेरे को, है? उसने तो पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है। लेकिन आप तो टसन ले रहे हो ना, टसन छोड़ दो, अभी आपके चेहरे पे आप मैंने कहा ना, राम मंदिर बना दिया और राम को लेकर आ गए, लेकिन राम का चरित्र, राम को लेकर आ गए, वो राम को लेकर आएगा, उसकी औकात है राम को लेकर आने की, राम को लेकर आया था, उसकी औकात है राम को लाने की, रावण पैदा हुआ था तो राम को पैदा होना, उसकी औकात है राम मंदिर बना दिया था, ये तो बता दो राम का, जो एक ईंट और एक रुपया, सुनो राम का चरित्र कहाँ है, आप ये देख लो, राम ने, सुनो राम, देखो मैं बताऊंगा, राम ने सीता को कभी वापस, जनक के तो लड़का भी नहीं था, वहाँ भी नहीं भेजा वापस, अरे इन्होंने पीर में भेज रखा है उसको शुरू से, ये बहुत इसको पता कमी की बात है। दूसरा क्या था, देखो छोटे भाई ने कहा था उद्धव ने, मुझे 6 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री बना दो, नहीं बनाया ना, लेकिन परमात्मा ने उसको बना दिया था, रह गया ना पूरा 1 साल, कर गया ना। दूसरा, तीसरा था, अगर राम होता ना तो रस्सी भी पकड़ी होती ना, अगर विपक्ष कहता ना, सारे विपक्ष ने कहा था, सुनो विपक्ष ने, सारे ने मिलकर एक कहा था, सारे विपक्ष ने, कहने लगा भाई उससे उद्घाटन राष्ट्रपति से करा लो, इन्हीं की बनाई हुई थी, राम तो रस्सी छोड़ के चल देता उसी टाइम, लेकिन इन्होंने नहीं, मैं ही करूंगा, उन्होंने उद्घाटन उसी टाइम किया। ये चीज देखो, ये कह रहे हैं श्री राम की 400 सीट की गारंटी है, ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? इनका पूरा रूल है कि अगर 400 सीटें ये पा लेते हैं तो ये संविधान को बदलने का प्रयास कोशिश करेंगे। इनके नेता कह रहे हैं कि 272 सीट में सरकार बन जाती है, 400 क्यों मांग रहे? 400 का मतलब है कि दो तिहाई बहुमत 300-350 के ऊपर निकल जाएंगे तो संविधान आसानी से बदल देंगे। तो इनका पूरा प्लान ये है, मैं ये संविधान को बदल करके और मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहते हैं, पाखंड को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, और ये पाखंड इतना बगराएंगे कि देश को गर्क की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इनकी जो नीति है वो नीति किसानों विरोधी नीति है, पूरे पूंजीपतियों के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, और आज का टाइम जो है देश बदलाव चाह रहा है। हम आपको लिख के बता दें कि देश में आने वाले समय में, अब ये महीने दो महीने के मेहमान और रह गए हैं, उसके बाद यहाँ की पब्लिक इनको शायद है, हम आपको बता दें, ऐसे अलविदा कहेगी जैसे गधे के सर से सींग, इसी तरीके से ये चले जाएंगे और वापस जाकर के गुजरात में चाय फिर बेचते नजर आएंगे। देखिए मैं तो सहमत नहीं हूँ, कहते देखो अगर ईमानदार से लड़ ले ये बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे गधे के सर से सींग, लेकिन अभी आपने बागपत के सांसद जी का सुना आपने बयान, मुझे तुम वोटों की जरूरत नहीं है, तुम वोट दो या मत दो, आसाम के मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुम्हारे मुझे किसी के वोटों की जरूरत नहीं है, किसी, तो इससे क्या साबित होता, मुझे बताओ ना इससे क्या साबित होता है,
इसे क्या साबित होता है कि तुम्हें वाकई में तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है।